लोग अपने बजट के हिसाब से अपने सपनों का घर बनाते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है कुछ इस टाइप का घर बनाने का, और कुछ लोगों का सपना होता है इस तरह का। तो आप लोगों का सपना किस तरह के घर पाने का है? अगर इस तरह का है तो वो भी हमारे पास है, अगर इससे पहले जो दिखाया था उस तरह का है तो वो भी आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। बिल्कुल मार्केट से लगता हुआ ये प्रोजेक्ट आप लोगों का रहने वाला है। दोस्तों, जहाँ पे आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, प्लॉट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहीं पे एक पर्सन है जिन्होंने 100 गज का लिया। 100 गज का लिया ना सर आपने? जी 100 गज का हमने लिया। ये सामने वाला जो अभी आपका चल रहा है, खुदाई चल रही है, हमने 100 गज। अच्छा, 100 गज कितना टाइम हो गया सर लिए हुए यहाँ पे? मार्च में रजिस्ट्री करा चुके। अच्छा, मार्च में रजिस्ट्री करा लिया सर। तो अभी मतलब घर बना रहे हैं या शॉप वगैरह की प्लानिंग है? घर बना रहे अभी। अच्छा, घर बना रहे अभी। अच्छा, जब आपने लिया था तो यहाँ पे किसके थ्रू लिया था, किस कंपनी के थ्रू लिए थे? जिनके साथ मैं हमेशा लेके आता था उनके बड़े ब्रदर हैं। अच्छा, बात व्यवहार की बात की जाए, कंपनी के साथ लोगों के साथ बात व्यवहार बिल्कुल ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, लोन वगैरह में कभी लेन देन या कॉलिंग वगैरह में कुछ नहीं? कुछ कॉलिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। कॉलिंग हम करते भी कॉल उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज रिस्पॉन्स रहता है कंपनी का। जब आपने लिया था पेमेंट वगैरह लेन देन कैश लिया है या लोन पे लिया है? सर लोन पे लिया है, ईएमआई इनको देते हैं, हर महीने देते हैं। कैश हमने लिया है तो देख सकते हो दोस्तों, कैश नहीं लिया, ईएमआई पे लिया है। सभी भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना भाई मोहम्मद आरिफ। जैसे कि आप मेरे को जानते हो, जो भी मेरा भाई मेरी वीडियो को देखता है, वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार और लाइक करता है। तो मेरे भाई, ऐसी आज मैं लोकेशन पे आपके सामने ऐसी साइड लेकर आया हूँ जो आपको देख तो ही एकदम पसंद आएगी आपको। ये जो मेरी साइड है, ये मेरी मेन रोड से बिल्कुल सामने मेन रोड है। इस मेन रोड से ये सामने ही मेरी बिल्कुल एकदम साइड है। ये इस साइड पर हमने जो रास्ते निकाले हैं, मेन रास्ते जो रोड बोलते हैं, कम से कम 25 फुट का, 30 फुट का और 20 फुट का, 15 फुट के लास्ट रास्ते हमने यहाँ पर निकाले। ये जो लोकेशन है मेरी फुल बसावट के अंदर दी गई है। यहाँ पर आप आइए, जो भी प्लॉट पसंद करते हो, खाली आप मेरे को टोकन कटाइए, टोकन कटाते तुरंत अपने प्लॉट पर कब्जा लीजिए। खाली आप मेरे को टोकन अमाउंट दीजिए, टोकन अमाउंट पे ही मैं आपको तुरंत कब्जा दूंगा। टोकन जो हमारा कम से कम 2100 रुपये का है, 5100 का है, 11000 का है, 21000 का है। जितना भी आप मेरे को टोकन की पर्ची कटाते तुरंत कब्जा दिया जाएगा। दोस्तों, इस जगह पे आप लोग अपना दुकान बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने इस टाइप के दुकान बना रखे, आप लोग भी अपने घर के साथ साथ अपने दिनचर्या को चलाने के लिए दुकान भी खोल सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स भाई को बताना चाहूंगा, जो हमारी ये साइड है, अगर आप अपना मकान भी बनाते हो तो यहाँ पे आपको किराए की सुविधाएं भी मिलने वाली है। जैसे कि अपने मकान के अंदर 3-4 रूम बनाइए, आपका तुरंत आपका मकान किराए पे उठेगा। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, यहाँ पे अगर आपको भी फैमिली रहती है तो फैमिली को यहाँ पे काम कर लिए, कपड़ा सिलाई वगैरह या किसी भी चीज का पन्नी वगैरह का भी जैसे काम करना चाहे तो आपको वो भी मिलता है। कोई भी लेडीज घर में मतलब की ठाली नहीं बैठेगी, अपना काम इतना कर सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कि अंदर ये सामान बनना है, अंदरली साइड में लेडीजें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और अपना सामान बना रहे। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये मकान बना हुआ है पूरा, और इस मकान पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, मकान किराए पर चाहिए। तो किराएदारों से ना पूछें, खाली डायरेक्ट मालिक से संपर्क करें। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे आप अपना मकान भी बना सकते हो और हमको किस्तों पे भी दे सकते हो और अपना किराए भी पे मकान उठा सकते हो। दोस्तों, जिस कंपनी के थ्रू मैं आपको आज की वीडियो दिखाने वाला हूँ, प्लॉट दिखाने वाला हूँ, आप कुछ इस टाइप के मकान भी बना सकते हो, देख सकते हैं। पर अगर आपके पास मकान बनाने का बजट एक बार में नहीं है तो ये कंपनी आपको जमीन के साथ साथ मकान का भी ऑफर करती है कि आप कुछ परसेंट पेमेंट कर दीजिए, आपका मकान ये कंपनी बना के दे देगी, बाकी जितना पेमेंट रह जाएगा आप किस्तों के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि अभी सचिन भाई ने बताया है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही सुना है आपने। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे से मकान बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 50% अमाउंट देना होगा। 50% अमाउंट किस तरीके की देनी होगी, जैसे कि अगर मकान के अंदर 5 लाख रुपए की लागत आ रही है तो जो उसका मटेरियल वगैरह जो खर्चा मिस्त्री का जो बैठता है टोटल, मतलब कि जैसे 5 लाख रुपए का बैठा तो 2.5 लाख रुपए आप मेरे को दीजिए। 2.5 लाख रुपए अपने पास से मैं मिला के उसको 5 लाख रुपए में आपको रेडी मकान तैयार करके दूंगा। दोस्तों, इस सोसाइटी के अंदर, ग्लोबल सिटी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिजली की, क्योंकि ट्रांसफार्मर कुछ आपको इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। हर गली के, हर एक कॉलोनी के जितने यहाँ पे सेक्टर डिवाइड हो रखे उनके अपने सेपरेट आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। मेरे व्यूअर्स भाई देख पा रहे हो, जैसे कि मैं कॉलोनी के बीचों बीच आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अंदर से पूरे मकान बन रहे हैं, ईंटें वगैरह पड़ी हैं, मेटेरियल वगैरह पड़ा है, इनमें सब काम चालू हो रहा है। यहाँ पे आपको जैसे कि पानी, लाइट, बिजली वगैरह यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिलती है। जैसे कि अगर मैं पानी, लाइट पे सारे मकानों पर लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ये मकान बने हुए हैं, ये वाले इन सब पे ये आपके मीटर वगैरह लगे हुए हैं, यहीं पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो ये आपको पूरी लाइन खींची हुई दिख रही है यहाँ पे। दोस्तों, रोडों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 30 फीट की कम से कम पक्की रोडें बना के दी जा रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली जो ईंट होती है उसका इस्तेमाल करते हुए रोडें प्रॉपर बनी हुई है। ये
रास्ता जा रहा है आप लोगों का प्लॉट की ओर, प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में लगते हुए आप लोगों की मार्केट एरिया रहने वाला है। ये वाला पूरा कमर्शियल मार्केट सेक्शन एरिया है। आगे तक आपको यहाँ पे सिर्फ दुकानें ही देखने को मिलने वाली है। जो भी जरूरत की चीजें होती हैं आप लोग यहाँ पे आराम से ले सकते हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, आपका राशन हो, चाहे आपका मेडिकल हो, कोई भी सामान हो, आप यहाँ पे आराम से इस मार्केट में ले सकते हो। तो मेरे व्यूअर्स भाई सोच रहे होंगे कि अब आरिफ भाई ने हमको कॉलोनी भी दिखा ली है, हर चीज दिखा चुके हैं, यहाँ पे अभी तक यहाँ के प्राइस नहीं बताए। प्राइस मैंने आपको इसलिए नहीं बताए क्योंकि मेरी जो कॉलोनी है ना, यहाँ पे मेरी 10-11 साइड है। ये जो मेरी साइड है ये मेरी तीसरे नंबर की साइड है, जो आपसे हमने जो कॉलोनियाँ काटी हुई है इससे अलग और हमारी कॉलोनियाँ। हमारे पास में जो प्राइस है कम से कम जो कीमत के जो 25 गज का प्लाट है हमारे पास वो 2 लाख रुपए का है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का है 25 गज का प्लाट वो हमारे पास 5 लाख रुपए का है। और इसी के साथ में जो हम किस्तों पे ये प्लॉट देते हैं कोई हमारी जितनी भी EMI वगैरह बनती है ये हमारी ब्याज मुक्त किस्तें हैं, इस पर कोई हमारी पेनल्टी या कोई चार्ज नहीं रहेगा। जो भी आज हम आपका रेट तय करेंगे वही हमारा सामान 36 महीने और 42 महीने 48 महीने की किस्तों पर रहने वाला है। आप सोचेंगे मेरे व्यूवर्स भाई कि आरिफ भाई ने हमको किस्तों का भी समय बता दिया, प्लॉट की कीमत भी बता चुके हैं कि किस तरीके के हैं, और ये नहीं बताया कि किस्त आपको मेरे को मतलब किस्त को किस रेट किस तरीके से हमको देनी है। तो मैं आपको बता दूं अपने व्यूवर्स भाई को, हम जो किस्तें लेते हैं कम से कम खा पी के आप पे जो भी बचे कम से कम 3,000 रुपये आप मेरे को हर महीने दे सकते हो। किसी महीने 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आप पे हर महीने बने आपको वो किस्त देनी है, उतनी ही आपकी पर्ची काट के आपको दी जाएगी। और जैसे जैसे आपका समय पूरा होता जाएगा उसी तरीके से आपकी जो कीमत रखी जाएगी उसमें से ये आपकी लेस करके बिल्कुल आपकी फाइनल हो जाएगी। अगर कोई भाई रजिस्ट्री कराना चाहता है और उसके पूरी फाइनल करने के लिए पेमेंट नहीं है, पहले किस्तों पे ही उसको रजिस्ट्री करानी है, तो 40% आप मेरे को पेमेंट दीजिए, 40% मैं आपको रजिस्ट्री करके दूंगा। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, ये जो मेरी साइड है ये दिल्ली NCR में साइड लगती है, और ये मात्र दिल्ली से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरी साइड है ये वाली। यहाँ पे हाईवे की बात करूँ तो हाईवे यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम मंदिर से बनता हुआ रहा है वो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे है। और यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ से रेलवे स्टेशन शिव विहार मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे शिव विहार मेट्रो स्टेशन है। अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ से 250-300 मीटर की दूरी पे पिछली साइड में ही रेलवे स्टेशन है जिसका नाम नुसरताबाद खड़खड़ी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आप लोगों को प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में स्कूल देखने को मिल जाता है, JR ग्लोबल स्कूल। कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे स्कूल से बस की सर्विस मिल जाती है, वैन की भी सर्विस मिल जाती है। ये रहेगा आप लोगों का JR ग्लोबल पब्लिक स्कूल, और इसी से जस्ट लगते हुए सामने की तरफ पीछे की तरफ ही आप लोगों का प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोजेक्ट जो हमने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर आ रहा होगा उस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिए। देखो घर के बिल्कुल पीछे की तरफ इस टाइप के स्थल बनाए हुए जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, शाम को टहल सकते हो, और ये मेन रोड की कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही रही है। तो अभी मैं अलविदा करता हूँ, मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन इस बार लास्ट में बता रहा हूँ, आपका यारामार्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा, अब पर अलविदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं मेरे वीडियोज़ को, सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सस्ती ज़मीन ढूंढ रहे हैं अच्छी लोकेशन पर जहाँ पर रजिस्ट्री मोटेशन आपको मिलता है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।